आपका मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कोविड की। कोविड का काफी फैक्ट है। एक दिन पहले हमने बात की राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के, और कोविड पर जिस तरह से सियासी बयानबाजी शुरू हुई उसके अगले दिन ही लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी नजारा देखने को अलग तरह का मिला। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम भाजपा सांसद और मंत्री मास्क में नजर आए, कई दूसरी पार्टियों के नेता भी दिखे, कर्मचारी भी दिखे। और जब ये चर्चाएं ज्यादा बढ़ने लगी हैं तब से कुछ सख्त भी देखने को मिल रहा है रवैया प्रशासन का। एयरपोर्ट्स पे स्कैनिंग शुरू की गई है, लोगों से कहा जा रहा है कि मास्क लगा के रखें। कुछ दिन पहले ही फ्लाइट्स में बंद कर दिया था मास्क, लेकिन वापस से एडवाइजरी जारी की जा सकती है। अभी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं कि बरतें, उसमें एक पार्ट ये भी है कि सैनिटाइजर रखें और मास्क साथ में रखें, लगा के रखें। खैर, लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक ली है जिसमें गृह मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर सहित कुछ राज्यों से अन्य लोगों को भी जोड़ा गया है वीसी के जरिए। कोई गाइडलाइन आ भी सकती है, एडवाइजरी जारी हो सकती है, लेकिन फिलहाल सतर्कता के निर्देश दिए जा रहे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। राजस्थान में बीजेपी ने अपनी जन आक्रोश यात्रा और जहां सभाएं चल रही हैं उन्हें स्थगित कर दिया है। इसको लेके कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया था कि बीजेपी जिन राज्यों में आंदोलन की राह पर है वहां भी समझाया जाना चाहिए, सभाएं बंद करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की रैली को लेकर के अभी भी कांग्रेस यही कह रही है कि बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत राहुल गांधी की यात्रा को खत्म करना चाहते हैं। खैर, लेकिन कोविड है, पांव पसारता नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, अब कैसे बच सकते हैं, क्या रहेगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि सावधानी जरूरी है, चिंता की बात नहीं है। तिवारी साहब, आपके पास आना चाहूंगा, राखी जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। तिवारी साहब, जन आक्रोश यात्राएं और रैलियां बंद कर दी गई है, यानी कि स्थगित कर दी गई है। अब नेक्स्ट टाइम कब होगी कोई पता नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सतीश पूनिया जी जो राजस्थान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो इनके जनरल सेक्रेटरी प्रभारी अरुण सिंह, उन्होंने भी कह दिया है कि हमने स्थगित कर दिया है। क्या अब कांग्रेस की किसी बड़े आंदोलन या फिर कहें कि आप लोगों की रैली यात्राएं करने वाले हैं आप लोग भी 26 जनवरी से हर विधानसभा क्षेत्र में, तो उस पर कुछ विचार होगा या भी इंतजार करेंगे फैलने का? योगेंद्र भाई, कोरोना जैसी बीमारी को देश के करोड़ों लोगों ने भोगा, उसके दुष्परिणाम भी देखे हमने, लेकिन आप एक सीक्वेंस की तरफ देखो। आप राहुल गांधी जी 104 दिन देश के 3000 किलोमीटर पैदल नापते हैं, लोगों से मिलते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं के चीरहरण के खिलाफ वातावरण बनाते हैं, और राजस्थान से जैसे हरियाणा में भी वो प्रवेश करते हैं, अचानक राजस्थान के 3 सांसद जिनके जिलों से ये यात्रा गुजरी ही नहीं, अचानक उनको पता नहीं देवीय को योग आता है, वो भारत के चिकित्सा मंत्री मनसुख मांडविया को चिट्ठी लिखते हैं राहुल गांधी जी की यात्रा को रोक दिया जाए, और तत्काल प्रशासन खुद मंत्री जी एक्शन में आते हैं, और राजस्थान से गुजरने के बाद में जैसे हरियाणा में राहुल गांधी प्रवेश करते हैं उन्होंने चिट्ठी लिखते हैं राहुल जी आप अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। क्या हो गया इस देश में? और ये कह रहे हैं कि सतीश पूनिया जी और अरुण सिंह जी ने कह दिया कि हमने राजस्थान में जन आक्रोश रैलियां रद्द कर दी है। पूरा मीडिया जानता है, आप तो खुद मीडिया चला रहे हैं, सारे अखबार कह रहे हैं इनकी जन आक्रोश रैली तो वैसे पिट गई थी, 10-15 आदमियों से ज्यादा चला ही नहीं पाए थे। तो इनका रैली रद्द करने का एक अर्थ भी यही था कि राजस्थान में जनता इनके साथ में 200 विधानसभा में नहीं लगी, और केवल अपनी खींच मिटाने के लिए इन्होंने आड़ ले ली कि केंद्र सरकार के निर्देशों से हमने हटा दिया। फिर कह रहा हूं कांग्रेस की यात्रा में हम वो सारे दिशा निर्देश की 100% पालना करेंगे जो हमारे देश के दिशा निर्देश होंगे। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने उच्च स्तरीय मीटिंग भी करी, गृह मंत्री जी भी शामिल हुए, चिकित्सा मंत्री जी भी शामिल हुए, वीके पाल साहब भी शामिल हुए, और जो जो भी विशेषज्ञ थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी मीटिंग ले रहे उसकी गाइडलाइन अभी तक तैयार नहीं हुई। तो ये पैनिक है, देश के करोड़ों लोगों को आप डरा रहे हो क्या?
आदमी समझदार है। एक बात, हम जो भी गाइडलाइन होगी, सैनिटाइजर चाहिए, सैनिटाइजर रखेंगे, मास्क। तिवारी साहब, तिवारी साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा। आपने कहा कि तीन सांसद जिन्होंने पत्र लिखा उसी के आधार पर राहुल गांधी को एक पत्र लिख दिया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने, लेकिन जिन जिलों से या जिन लोकसभा क्षेत्रों से अगर वो यात्रा गुजरी वहां के सांसद लिखते तो क्या लगता आपको ज्यादा इफेक्टिव होती वो बात? जहां से हम गुजरे वहां के सांसदों को आपत्ति नहीं थी, ये सुनियोजित था, ये पहले से प्री प्लान था। और फिर मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो किसान संघ है आज दिल्ली की धरती पर रामलीला मैदान में 10 दिन से धरना देकर के बैठे किसानों के समर्थन में। 50,000 किसान दिल्ली में रामलीला मैदान में है, आपने उनको कोई गाइडलाइन नहीं दी। उमेश शिखर जो इनका जैन धर्म के मानने वालों का पवित्र है, समित शिखर उसके लिए देश के विभिन्न शहरों में, बड़े बड़े शहरों में लाखों लाखों जैन मतावलंबी इस मांग को कर रहे हैं कि वहां का पर्यटन स्थल खत्म किया जाए। देश तो आपको लगा है कि राहुल गांधी की चिंता, केवल राहुल गांधी की चिंता है? आपने किसी समाज को, किसी देश के लिए को नहीं कहा। राहुल गांधी को व्यक्तिगत टॉर्चर करके कहा। और फिर कैसा दुर्भाग्यपूर्ण बयान, मनसुख मंडाविया कहते हैं एक परिवार के लिए हम ऐसी गाइडलाइन को हम रोक नहीं पाते, ये मैं देश का चिकित्सा मंत्री हूँ। एक परिवार की बात है, ये देश की यात्रा है, तिवारी जी राजस्थान में नहीं, ये भारत यात्रा है, देश की यात्रा है, देश के लाखों लाखों लोगों ने इस यात्रा में भाग लिया। एक परिवार की बात करके फिर कर रहा हूँ, गांधी से आजादी से पहले भी ये नाराज थे, गांधी के बाद में, आजादी के बाद में नाराज है, इनको गांधी नाम से चिढ़ है, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, गांधी अगर उनसे चिढ़ होती है तो फिर टिकट क्यों देते? वो तो ऐसे ही है जैसे अमित शाह जी के नाम पर बहुत सारे शाह हो सकते हैं, मोदी जी के नाम पर एक भगोड़े नीरव मोदी, इंदिरा गांधी के एक पुत्र की पत्नी और उनका बेटा, वो तो उनका पोता, तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि वो तो यूं ही गांधी जी हैं, उस परिवार के सदस्य हैं सर। खैर चले, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, मैं राखी जी आपके पास आना चाहूंगा। आप लोगों ने अपनी यात्राएं स्थगित कर दी हैं, सभाएं स्थगित कर दी हैं, बाकायदा अनाउंस कर दिया आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने। कांग्रेस का ये कहना है कि इन्हें तो करना ही था, एक बहाना मिल गया क्योंकि जनाक्रोश सभाओं में लोग आ नहीं रहे थे और राहुल गांधी की सभा में भीड़ आ रही है, इसलिए इसे रोकना चाहते हैं। मुझे लगता है योगिंदर जी, जिस तरह का इलॉजिकल लॉजिक जो है अभी मेरे बड़े भाई तिवारी जी ने कहा, मुझे लगता है कि आज जब हम लोग पैंडेमिक को 2 साल से झेल रहे हैं, उसके बाद इस तरह का एक गैर जिम्मेदाराना बयान देना, इस तरह का स्टेटमेंट देना, इसकी राजनीति करना मुझे लगता है ठीक नहीं। आपको धैर्य पूर्वक सुना राखी जी ने, उम्मीद है कि आप भी सुनेंगे क्योंकि आप लोग हैं, आप ही को बात करनी है। बिल्कुल, आपके पास मैं लौटूंगा, अब वो जो कहने की बात सुनिए। देखिए, 2-3 बातें जो अभी तिवारी जी ने कही मैं उनका जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहली बात, आज देखिए जरूरत, अपनी बात की शुरुआत करने से पहले ये बात कहूंगी, आज जरूरत इस बात की है कि मैं क्या कर रही हूं। मैं ये नहीं कहूं कि नहीं योगेंद्र जी क्या कर रहे हैं, तिवारी जी क्या कर रहे हैं, लेकिन आज मेरी ड्यूटी, क्योंकि मैं अच्छे से समझ चुकी हूं इस पूरे बीमारी को, जब मुझे मालूम चल चुका है कि इस बीमारी का अटैक भारत में भी हो सकता है, तो एक नागरिक के रूप में बिना पार्टी अपार्ट मुझे सबसे पहले यह सोचना है कि मैं एज अ नागरिक क्या कर सकती हूं। सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। दूसरी बात, देखिए 3 दिन पहले ये आपको मालूम है कि चाइना के अंदर जो वहां की तस्वीरें सामने आई, एक बड़ा पैनिक जो है वो हिंदुस्तान में क्रिएट होने का प्रयास किया गया, उसके बाद में ये सारे गाइडलाइंस आई हैं। और उसके बाद देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि जो सभाएं हो रही हैं जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उस चीज को अवॉइड किया जाए। आप कह रहे थे कि जनाक्रोश रैली के अंदर, सभाओं के अंदर लोग नहीं आ रहे, ये बांसवाड़ा की फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, परसों की फोटो है जिसमें कि भारी संख्या में भीड़ आई है। धरियावद के अंदर 25,000 से ऊपर लोग थे, कुशलगढ़ के अंदर भी इतने ही लोग थे, लेकिन ये बात नहीं है। देखिए यहां पे कोई उस तरह की वो नहीं हो रही है रस्साकशी कि आपके यहां कितने, हमारे यहां कितने। आपने तो 200 विधानसभाओं में एक यात्रा निकाली, हम हर विधानसभा में एक इंडिविजुअल यात्रा और सभा कर रहे हैं, तो डिफरेंस है, हमारा टारगेट आपका टारगेट डिफरेंस है। लेकिन यहां पे बात इस बात की हो रही है कि क्या क्या जरूरत है हमें अपनी तरफ से करने की। आप देखिए भारत सरकार ने, ये तो पहले भी क्लेम ऐसा ही करते थे योगेंद्र जी, जब ये पैंडेमिक 2020 के अंदर आया कि नहीं सरकार नहीं संभाल पाएगी, लेकिन आज रिकॉर्ड पूरे विश्व के अंदर किसी अगर देश ने सबसे ज्यादा वैक्सीन डोजेस लगाई है, जिसकी वजह से आज विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि हम सेफ हैं। भारत सरकार ने बहुत अच्छे से इस पूरे को संभाला है। आप नागरिक के रूप में, मैं तो सभी से ये निवेदन करूंगी, सरकार की हेल्प करें, अपनी हेल्प करें, हमारा देश है और यहां पे अगर कोई क्राइसिस होती है तो हमें सरकार पे विश्वास करना चाहिए, और विश्वास करने का बहुत बड़ा बेस है योगेंद्र जी। अब की बार तो पहले ऐसे होता था कि टीके बहुत बहुत सालों बाद हमें मिलते थे, लेकिन पहली बार हुआ कि देश में निर्मित 2 टीके हमारे लोगों के लिए अवेलेबल हुआ, और जिनकी जो सफलता की दर है वो बहुत अच्छी है। चाइना में सुन रही थी 30% उसकी सक्सेस रेट है, इतनी अच्छी रेट के साथ में जब हुआ है तो
मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है देश के नागरिकों का, वो आह्वान हम सबको मानना चाहिए और हमको ये सबसे पहले तय करना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या है एज अ सिटीजन, मैं क्या कर सकती हूँ, उसको अगर निभाएंगे तो निश्चित तौर पर इस पैंडेमिक से हम बाहर निकल जाएंगे। आप जानते हैं योगेंद्र जी की कितनी प्रॉब्लम से 2 साल में लोग निकले हैं। आज अगर मान लीजिए फिर से वो लॉकडाउन या ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन की स्थिति में आ जाते हैं तो लोगों की कमर टूट जाएगी और वो संवेदनशीलता के साथ में हमें जो सरकार की गाइडलाइंस है, मैं तो कह रही हूं राज्य सरकार भी गाइडलाइन करे। और देखिए सेंट्रल मिनिस्ट्री ने जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने राहुल गांधी जी से आग्रह किया था कि आप इस कोरोना प्रोटोकॉल जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे फॉलो कीजिए या फिर आप जनहित में उसे स्थगित, एक रिक्वेस्ट फॉर्म में बोला, उसमें इतनी राजनीति करने की मुझे लगता है तिवारी जी जरूरत नहीं। आज लेटेस्ट अपडेट सतीश पूनिया जी की तरफ से ही मुझे हमारे जो सहयोगी ने दिया है उन्होंने साफ कहा है कि जन आक्रोश सभाएं अभी स्थगित नहीं होंगी जब तक कोई एडवाइजरी या गाइडलाइन नहीं आएगी। हालांकि उन्होंने अरुण सिंह जी ने पहले जानकारी दी थी हमने स्थगित कर दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विशेषज्ञों की राय है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है इसमें, अभी सतर्कता जरूरी है। तो फिर तो मुझे लगता है कि आपकी यात्रा भी जारी रहेगी, जन आक्रोश यात्राएं भी जारी रहेंगी। देखिए मैं कह रही हूँ कि देखो सब कुछ चलना चाहिए, सब कुछ नॉर्मल चलना चाहिए योगेंद्र जी, मैं भी यही बात बोलती हूँ, लेकिन एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ, जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाए, चाहे वो मास्क का इस्तेमाल हो चाहे सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, वो इस्तेमाल करना चाहिए। लॉकडाउन से तो वैसे ही घबराहट होती है सुनकर के, क्योंकि हम जिस स्थिति को देख चुके हैं, जिस तरह से एक अर्थव्यवस्था के रूप में हम लोग बिल्कुल धराशायी हो चुके थे, उसको वापस लाना एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। तो उस एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ में अगर काम किया जाता है तो मुझे लगता नहीं किसी को कोई समस्या होनी चाहिए। जरूरत इस बात की है कि उस पूरी गाइडलाइन को, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उसको हम फॉलो करें। और फॉलो करके क्यों तेरा मेरा इसमें क्या, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पैंडेमिक है उतना ही प्रॉब्लम तिवारी जी आपको भी होने वाला है जितना कि मुझे होएगा इस पूरी बीमारी से। तो हम सबको साथ मिलकर के इसको काम करना चाहिए, एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का इस्तेमाल। और हमारे बड़े नेताओं ने बहुत अच्छा मैसेज भी दिया लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, जब हमारे बड़े नेता वहां पर पहुंचते हैं और मास्क लगाते हैं तो जनता में भी एक मैसेज जाता है कि आपको मास्क यूज करना ही है। बहुत सारे विशेषज्ञों ने यह कहा कि हो सकता है कि इसकी वजह से हमें इतनी तकलीफ नहीं हो क्योंकि भारत देश के जो लोग हैं उनमें अच्छी इम्यूनिटी हुई है, हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी। और आप जानते हैं कि चाइना के अंदर जो प्रॉब्लम आई है वो वहां उनकी जीरो टॉलरेंस जो नीति थी कोविड की उसकी वजह से हुआ, जो भी हुआ, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो गाइडलाइंस मिलती है उनको मुझे लगता है शब्द फॉलो करना हर एक हिंदुस्तानी का दायित्व है और उसको फॉलो करते हुए हमें काम करना चाहिए। राजनीति की बात नहीं है, चाहे कोई भी सभाएं हो, इनफैक्ट कहीं पर भी हो। आज देखिए 4 राज्यों ने इसमें मीटिंग भी बुलाई है, दिल्ली ने बुलाई, महाराष्ट्र ने, कर्नाटक ने, यूपी ने मीटिंग बुलाई। मैं तो चाहूंगी राजस्थान के अंदर भी इसमें प्रयास शुरू हो जिससे कि हम उस लेवल पर पहुंचे उससे पहले हम सतर्क हो जाए। तो निश्चित तौर पे जो गाइडलाइंस आई हैं उनको फॉलो करना चाहिए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो हम सबको अपनाते हुए जनता में एक संदेश देना चाहिए। तिवारी साहब एक ये बात, देख गवर्नमेंट आपकी भी है, 3 राज्यों में आपकी सरकार है, आप लोगों के मुख्यमंत्री भी, आज नहीं हमेशा से कहा जाए कोविड गया नहीं, अभी इसका खतरा है लेकिन हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। बीजेपी एक बात कर रही है कि हमने कोई आदेश नहीं दिया राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए, सिर्फ हमने चिंता जाहिर करते हुए यह आग्रह किया है कि आप सावधानी बरतें, सावधानी के साथ चलें, क्योंकि इतनी भीड़ के अंदर आप कोविड रूल्स का फॉलो नहीं कर सकते। आपके मुख्यमंत्री वहां से कोविड पॉजिटिव होकर चले गए, तो उसको लेकर के इन लोगों का कहना है। अभी भी आप जो मांडविया जी हैं उन्होंने भी कहा कि जब गाइडलाइन आएगी तो सबके लिए सतर्कता के लिए हम बाध्य कर सकते हैं, लेकिन आग्रह किया जा रहा है। अभी योगेंद्र भाई राखी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि 50,000 किसान भारतीय मजदूर संघ से संबंधित दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठे हैं किसानों की मांगों को मनवाने के लिए। सम्मति शिखर के लिए लाखों लाखों जैन मत के लोग अपना पर्यटन स्थल को खत्म करवाने के लिए बैठे। आपने चिट्ठी केवल राहुल गांधी से, आपने चाहे निवेदन ही किया, क्यों किया आपने, केवल आपको इसलिए मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी की जो भारत यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, उससे बोखलाई हुई थी, आपने हिट किया। और फिर मांडवीय जी का ये बयान कि एक परिवार के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते, देश के करोड़ों लोगों को हम खतरे में नहीं डाल सकते। अरे ये देश हमारा ही है, आपका भी है, सबका देश है, देश में गाइडलाइन तो जारी करो, आप डराओ मत लोगों को। बड़ी मुश्किल से देश का आदमी की आर्थिक स्थिति पटरी पे बैठी है, आज आम आदमी डरने लग गया, भाई साहब ये BF.7 क्या है ये, तो ये देश के प्रधानमंत्री जी बताएं। फिर आप फ्लाइटों को क्यों नहीं रोक रहे हो,
अगर चीन से आयात हो रहा है ये सारा ओमिक्रॉन, ये जो नहीं, आयात नहीं कर रहे, कोई इंपोर्ट नहीं करना चाह रहा है, तो आ रहा है बिना बुलाए मेहमान है ये। आज देखो मोदी जी चीन के खिलाफ कितने ही बोल ले, लेकिन 2014 के बाद में योगेंद्र भाई भारत का जो आर्थिक संबंध है 43% आयात निर्यात बढ़ा है चीन के साथ। आप कैसे संबंध, आप चीन के बारे में बोलना ही नहीं चाहते हो, आपको आने जाने के फ्लाइट बंद कर देनी चाहिए, हमारा आदमी ना जाएगा ना वहां का आदमी आएगा। देश के अंदर गाइडलाइन जारी करो, पैनिक मत फैलाओ, डराओ मत, कांग्रेस से डरो मत, कांग्रेस तो भारत के लोगों का डीएनए, ये मरेगी नहीं। आप लोग 2014 में कह चुके थे कांग्रेस मुक्त भारत, आप गुजरात में हम चाहे हार जाए लेकिन मुक्त नहीं करा सकते आप, कांग्रेस से डरो मत। राहुल गांधी आज देश के नौजवानों की बात उठा रहा है, गृहणियों की बात उठा रहा है, महंगाई की बात कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का जो आपने चीरहरण कर रखा है, न्यायपालिका को आपने डरा रखा है, ईडी और आईटी के नाम पर, ये सारी बातें हैं। कांग्रेस को डरा करके आप देश पे राज करना चाहते हो, आम आदमी जानता है। आज अगर सतीश पुनिया जी का आप इलेक्टेड तैयार कर रहे हो, हमारी जन आक्रोश रैलियां निकलेगी, उनकी तो रैलियां निकलेगी ना, क्या बातें कर रहे हैं आप तिवारी जी, आप निर्देश योगेंद्र जी जो टीवी पे बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि उसमें यही था कि उन्होंने ट्वीट किया, अरुण सिंह जी ने बाकायदा बयान भी दिया है कि हम स्थगित कर रहे हैं अभी, तो उनकी रैलियां चल कर रही थी। राखी आपके राजधानी में रहती है, आप बताओ आपके विधानसभा क्षेत्र में कितने लोगों से आपने संपर्क किया? अरे आमसभा होना अलग बात है, आपने जो 200 रथ बड़े बैंड बाजों से आपने रवाना किया था, जेपी नड्डा साहब जयपुर की धरती पे आए थे, आपको 200 रथों का बैंड बजा दिया जनता ने, अब आप कहां की फोटो, आप 3 साल पहले की फोटो आज अगर आप दिखा रहे हो, ये तो विधानसभा चुनाव के प्रचार की फोटो है, ये जन आक्रोश यात्रा से झंडे दिख रहे हैं, ये दरियाबाद में जब ये चुनाव लड़ने गए थे विधानसभा का, ये तब की फोटो मैं कैसे मान लू इनकी। अरे चलिए चलिए मैं बाप राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, ये तो तय है बेशक पहले राजनीतिक दल ये कह रहे हो कि उसकी रैली में भीड़ नहीं है, उनकी सभाओं में भीड़ नहीं है, लेकिन अब एक दूसरे को आईना दिखाने के लिए कि आप क्या भीड़ खूब आ रही है, ज्यादा आ रही है, आप रुकिए, ये तो मुझे लग रहा है चर्चा का विषय बना हुआ है कि भीड़ें खूब हैं, जिस भीड़ को लेकर के खारिज किया जा रहा था वो अब भीड़ के रूप में दिख रहा है, ये तो माना जा सकता है। हाँ, इसमें तो कोई वो नहीं है, और देखिए एक दूसरी पार्टी एक दूसरे की आलोचना प्रत्यालोचना तो करेगी करेगी, इसके बिना तो उनका काम चल भी नहीं सकता। और दूसरी चीज ये कि जी कंटिन्यू कर रहे हैं राजेंद्र जी, कितने लोग आते हैं कितने लोग नहीं आते हैं ये भी एक अलग मुद्दा है, क्योंकि उसमें वोट में कितने कन्वर्ट होते हैं वो सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात है, कि जब इलेक्शन आएंगे इलेक्शन के बाद में कौन सी पार्टी कितने सीटें ले जाती है, कितने लोगों को अपनी तरफ जो अपने से जोड़ पाती है, उस सारी चीजों पर डिपेंड करेगा सारा सारा। बिल्कुल, यूं क्या लगता आपको कि जब जिस उद्गम स्थल से जहां से कोविड आया और पूरी दुनिया में तबाही मचाया, वहां की स्थितियों को देखते हुए थोड़े से सतर्क रहने की आवश्यकता है? देखिए सतर्क रहने की तो इसलिए आवश्यकता है कि जिस तरह के मीडिया समाचार आ रहे हैं, हालांकि चीन भले ही कितना भी खंडन करे उनका, बाकी जो वहां से अलग अलग तरह के जो समाचार आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि साहब फुनरल के लिए 2000 आदमियों की वेटिंग लिस्ट है, या इस तरह के साहब करीब करीब इस जो नया जो कोविड का जो आ रहा है इससे करीब करीब 10 लाख लोग प्रभावित, मतलब अपनी जान भी खो सकते हैं, इस तरह की जो चीज़ आ रही है वो काफ़ी चिंतनीय है। और इसके लिए इसका असर, क्योंकि अब चीन से आने वाली फ्लाइट्स हैं, दूसरी चीज़ें आ रही और किसी तरीके से भी आ सकता है, तो थोड़ी सी सतर्कता बरतना जरूरी है। हालांकि इतना ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो ये चीन वाला जो लेटेस्ट जो है ये हमारे यहाँ भी 3 महीने पहले 4 महीने पहले एक केस आ चुका है, और उस केस के अंदर उसके साथ में जितने लोग थे वो लोग कोई भी प्रभावित नहीं थे उससे, उनके ऊपर उसका उस कोरोना के जो देखिए एक बात तो तय माननी होगी। देखिए ये कोई नेता ही नहीं चाहता है कि मेरा कार्यकर्ता मेरी भीड़ में जो भी कोई आम जनता आए वो किसी भी तरह से सफर करे, लेकिन इस भीड़ में आप अपेक्षा कर सकते हैं कि जो भीड़ आ रही है वो आप कहें कि मास्क लगा के रहेगी, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, या फिर सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी तो भी नहीं लगाएंगे लोग। हम तो देखते थे कि किस तरह से किसी के मृत्यु भोज में, किसी के मैरिज में, किसी के क्या, किसी के क्या, भीड़ जब उमड़ती है उसमें आप
देखिए मुझे लगता है कि ये सोच के नहीं चल सकते कि हम जैसे चाहेंगे वैसे होगा। ये जब सब चीजें इसलिए बेमानी है क्योंकि देखिए आपने लॉकडाउन वन और टू जो दोनों देखे हमने, दोनों अपन ने देखे, उसके बाद की स्थितियां भी देखी है। इन्होंने आइसोलेट किया है जगह जगह, छोटी छोटी जगह को कंटेनमेंट एरिया किया है। तो ये सब चीज होने के बाद भी देखे जिस तरह से उस टाइम पे कोरोना का प्रभाव ज्यादा फैला और उसके बाद में क्या क्या स्थिति है वो सारी सामने है। पर किसी भी राजनीतिक दल को इसका मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हेल्थ से रिलेटेड है। बीजेपी वालों को कांग्रेस पे इस तरह का आक्षेप नहीं करना चाहिए, कांग्रेस वालों को बीजेपी नहीं करना चाहिए। पर अब जो कार्यक्रम जो रूटीन चल रहे हैं उनमें सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी इस मायने में कि अपन कर सके कि जहां तक सैनिटाइजर का उपयोग हो, थोड़ी दूरी वाली स्थिति हो। पर देखिए रैली वगैरह में इन चीजों के अंदर थोड़ी सी मुश्किल रहती है, पर इतना ज्यादा पैनिक भी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इस तरह का केस अपने यहाँ नहीं आए हैं। इसलिए ये है कि हमको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि इस तरह की कोई स्थिति आए और खास तौर से हमको जो विदेश से फ्लाइटें आ रही है, दूसरी चीजें, इन पे थोड़ी कड़ी निगरानी कर लेनी चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हम बिल्कुल चलिए जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि सतीश पूनिया जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी साफ कह दिया है कि जब तक वो एडवाइजरी नहीं आएगी तब तक जनसभाएं, जो जनाक्रोश सभाएं की जा रही हैं, यात्रा निकाली जा रही है, उसे स्थगित नहीं किया जाएगा। वो इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे जो लगता है कि शायद हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो बैठक ली है उसमें यह तय हुआ हो या कुछ इस तरह की कोई एडवाइजरी जारी की जा सकती है जिसमें सतर्कता के निर्देश दिए जा सकते हैं। फ्लाइट्स में आप वापस से वेयर करेंगे मास्क, सैनिटाइजर साथ रखेंगे, कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं भीड़ भड़के से बचने के लिए सलाह दी जा सकती है। बाकी आपकी इच्छा है कि आप बरतना चाहें नहीं बरतना चाहें, क्योंकि यहां तो जब गाइडलाइन भारी भरकम आएगी मुझे लगता है कि तब लोग सतर्क होकर के चलते हैं कि नहीं अब तो इसका पालन करना होगा। तो तिवारी साहब मुझे लगता है कि यात्राएं और अभी सभाएं जारी रहेंगी। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी 2023 को समाप्त होगी योगेंद्र भाई, और राहुल गांधी जी भी कह चुके हैं मैं श्रीनगर में जाके झंडा फहराऊंगा, दुनिया की कोई ताकत मेरी यात्रा को रोक नहीं पाएगी। गाइडलाइन जारी नहीं कर पा रहे देश के प्रधानमंत्री। बिल्कुल, एक तरफ आप कह रहे हो कि 97% आबादी इम्यूनिटी से ये संक्रमण से फ्री है, 97% आबादी को हमने डबल डोज दे दिए, फिर डर किस बात का? फिर भी मैं कह रहा हूं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में गाइडलाइन आप जारी करो, मास्क भी लगाएंगे, सैनिटाइजर भी लगाएंगे, देश की सुरक्षा को या स्वास्थ्य की सुरक्षा को हम खतरे में नहीं डालेंगे। लेकिन कांग्रेस की यात्रा को षड्यंत्र पूर्वक अगर आप खत्म करने की चाल चलोगे कांग्रेस के कार्यकर्ता में दुगनी ताकत आएगी, हम फिर पूरी ताकत के साथ में जाएंगे। आप लोग डराओ मत कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को एक व्यक्ति को भारत का चिकित्सा मंत्री चिट्ठी लिखता है, उनकी दिल्ली की धरती पर 50,000 किसान 10 दिन से बैठे हैं योगेंद्र भाई किसानों की मांग को लेकर, वो भी इन्हीं की पार्टी के संबंधित किसान पार्टी ने, तो आप जैन समुदाय को नहीं कह रहे हो, आप भारतीय जनता पार्टी की जो आक्रोश रैलियां सतीश पूनिया जी को चिट्ठी लिखते हैं राजस्थान में, राजस्थान में जन आक्रोश रैलियां निकल रही है, राखी बता रही है कि इनकी तो बड़ी बड़ी सभाओं में 25,000 आदमी आ रहे हैं, आप अरुण सिंह जी को नहीं कह रहे हो कि आप वहां के प्रभारी आपको तुरंत बंद कर दे। राहुल गांधी जवाब दिलवाता हूं मैं राखी जी, स्थगित जो जानकारी मुझे मिल रही है कि यात्राएं अभी स्थगित नहीं की जाएंगी जब तक कोई एडवाइजरी नहीं आती है। तो कांग्रेस को लेटर लिखा जाता है आप लोग यात्राएं स्थगित नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी खुद मास्क पहन करके पार्लियामेंट में जाते हैं, क्या माना जाए अभी इससे कि वो स्थितियां नहीं है, केवल सतर्क रहने की आवश्यकता है? देखिए मैंने पहले भी ये बात कही कि प्रधानमंत्री जी ने जो मास्क पहन करके जिस मैसेज को ट्रांसमिशन करने की बात करी है वो यही है कि हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको फॉलो करें। मैं जो मेरे पास लेटेस्ट न्यूज है जो ट्वीट था अध्यक्ष का उसमें तो स्थगित हुआ है जनआक्रोश यात्रा, और अगर नहीं हुई है तो इसका मतलब है जो एडवाइजरी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी उसको फॉलो करते हुए सभाएं रखी जाएंगी। अभी जैसे किस तरह से तिवारी जी ने फिर एक और लॉजिकल बात दिखी कही कि 97
परसेंट लोगों को हमने वैक्सीनेट कर दिया है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि ये जो एक वायरस है ये म्यूटेट होता है, ये अलग फॉर्म में आता है, उस फॉर्म में हमारी बॉडी को क्या असर करेगा, मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारे विशेषज्ञ इस बात को बता चुके हैं। तो वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो रहा था लोगों को, सेकेंड वेव में हमने देखा कि वापिस भी हुआ लोगों को, तो ये सब जरूरत है कि हमें सतर्क रहने की, इससे डरने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इस तरह की जब बात करते हैं ना तिवारी जी अपन कि 97% लोगों को तो कुछ नहीं होगा क्योंकि उनको तो इंजेक्शन लग चुका है, तो ऐसे लोगों का हम नुकसान कर रहे हैं। हमें लगातार ये कहना है कि हाँ हमने वैक्सीनेशन लगा लिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि म्यूटेट हो सकता है वायरस, इसलिए हमें सतर्क रहना है। और ये मैसेज एज अ भारत के नागरिक हमें सबको देना चाहिए। पार्टी, और मैं फिर वही कहूंगी, उसको नहीं कहा, मैं अब फिर वो कहूंगी, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ और कैसे, यही बात कहनी चाहिए। कहिए कहिए, राखी राठौड़ जो आप कह रहे हैं, मैं अभी बात समर्थन करता हूँ। ये देश के स्वास्थ्य मंत्री जी को कहना चाहिए बजाय चिट्ठी लिख करके, राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखना कोई गलत नहीं है, अपना बचाव करें, अपने साथ में चलने वालों का बचाव करें, ये गाइडलाइन होती। आप स्थगित कर दो, फिर आप एक नया बयान दे रहे हो एक परिवार के खातिर में देश के करोड़ों, ये कौन सी भाषा है? ये परिवार है, भारत परिवार है, आठ राज्यों में हम लाखों लाखों लोगों के साथ में चले हैं, कहीं नहीं। अरे गुजरात में तो नवंबर के महीने में ये ओमिक्रॉन का इतना एरिया निकाल रहे, तो उनको पता था कि ये जो वेरिएंट आ चुका है, लेकिन इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था ना दिवाली, सितंबर अक्टूबर नवंबर नहीं था इतना क्राइसिस। अरे अचानक राहुल गांधी जी की चिट्ठी लिखना तो षड्यंत्र नजर आ रहा है, क्यों अविश्वास हो रहा है? चलो राहुल जी को टारगेट किया गया। राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिये बवाल मोटा ये है कि राहुल गांधी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र लिख दिया, यह कांग्रेस का ऑब्जेक्शन है। यहां एक ये कहा जा सकता है कि एक जनरल एडवाइजरी या फिर कुछ लेटर राज्यों को डाला जा सकता था, भेजा जा सकता था कि कोविड के हालात जो चाइना जहां से आया था और हमारे नेबर कंट्री है वहां को देखते हुए सभी को सतर्कता रखने की आवश्यकता है। तमाम राजनीतिक दल अपनी बड़ी सभाओं या रैलियां हैं उसमें थोड़ी सतर्कता बरते हैं। अगर राहुल गांधी को कोट नहीं किया जाता तो मुझे लगता है कि ये कोविड की ओर शायद ध्यान भी नहीं जाता किसी का, ध्यान भी नहीं जाता। पर देखिए थोड़ी सी जल्दबाजी लग रही है कि राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखी गई, इससे बेटर ये होता कि सभी राज्यों को लिखा जाता, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा जाता, राज्य सरकारों को लिखा जाता, तो उससे क्या होता कि एक जनरल मैसेज होता और उससे ये भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि जानबूझ करके राहुल गांधी जी की रैलियों को रोकने के लिए इस तरह का किया जा रहा, पर कहीं ना कहीं ये भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इसे दूर करने के लिए भी केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, जिससे कि इस तरह की स्थिति हो सकता है। जो प्रधानमंत्री ने बैठक ली है कुछ उन्हें भी लगता होगा, जो फीडबैक मिल रहा है। देखिए कोविड की अलग तरह की स्थितियां हम लोग देखते हैं कि हमारी पौराणिक कथाओं में रक्त बीज होता था कि एक बूंद गिरने पर कितने राक्षस पैदा होते थे, ये उसी तरह का राक्षस है, ये एक मल्टीप्लाई करता चलता है ये। और जैसे अभी राखी जी कह रही थी, हम सब जानते भी हैं ये अलग तरह के वायरस हैं, ये म्यूटेट इसका कब किस फॉर्म में आएगा कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, तो इसे सावधान रहना बहुत जरूरी है। बस ये है कि मेरा अपना मानना है कि अगर राहुल गांधी को पत्र नहीं लिखा जाता तो मुझे लगता है कि ये शायद चीजें भी नहीं आती सामने। कांग्रेस को ये लगता है कि जानबूझ करके लिखा गया है, वजह जो भी रही होगी, खैर लेकिन सतर्कता और सावधानी बरतना जरूरी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टियां हो, आमजन हो, क्योंकि हमें वो स्थितियां देखें। हम चाइना को छोड़िए, चाइना में क्या हो रहा है उस पर अगर नहीं भी जाएं, लेकिन मानवता के नाते हमें फिक्र है कि वहां के लोगों के साथ भी जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन हमें ध्यान रखना अपना। बस के पीछे लिखा होता है कि सवारी सामान की रक्षा स्वयं करें, आपके सेहत की परवाह आपको खुद को होना चाहिए। आप सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार रहेगा, आपका मोहल्ला रहेगा, आपका समाज रहेगा, शहर रहेगा, उसी तरह से हमें इस चैन को बना करके चलना चाहिए। राजनीतिक रैलियां हों, सभाएं हों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान रख करके सावधानी के साथ में करें, इसे राजनीतिक रंग ना दें, अपने अपने तरीके से करें और सावधानी के साथ में करें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।